وصلي على رسوله الكريم. جزا الله عنا محمدا وهو اهله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العظيم. आज आपकी खिदमत में जो बज़ाहिर बहुत छोटी बात समझी जाती है, लेकिन उसका तफसीली और तशरीही एतबार बहुत वसी तरीन है और बात बहुत सादा है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक सोचने के लिए इल्मी और रूहानी गिज़ा आपके काम लेगी, हमारे और आपके सभी के लिए सोच विचार करने का एक मौका और मरहला है। देखिए, इंसान चार मंजिलों से गुजरता है। यूं समझिए, हर इंसान की चार मंजिलें हैं। एक मंजिल मन का पेट है, दूसरी मंजिल दुनिया का पेट है, और तीसरी मंजिल कब्र और बरज़ख का पेट है, और चौथी मंजिल आखिरत है। इंसान इन चारों मनाजिल से गुजरता है। नतीजे के एतबार से आखिरत में वो जज़ा या सज़ा का मुस्तहिक हो जाता है। मिल्लत के अज़ीज़ों, ये जो पहली मंजिल मां का पेट है, आदमी इब्तदाई मरहले में एक रहम की सूरत में होता है, जनीन की शक्ल में रहता है। औरत के रहम में एक सांची और ढांचे में मौजूद रहता है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर उसको सूझबूझ दी जाए, अगर उससे यूं कहा जाए कि बच्चे तू इस वक्त जिस दुनिया में है वो दुनिया बहुत छोटी है, इस रहम के इस खाने से निकलने के बाद, औरत के पेट के इस घर से निकलने के बाद पूरे ऐसी दुनिया में कदम रखेगा कि उसकी वसतों का अंदाजा करना मुश्किल है। तू देखेगा बहुत लंबी चौड़ी वसी और हरी जमीन को, तुझे नजर आएंगी बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े रास्ते, तुझे नजर आएंगे बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े झाड़, और तू अपनी आंखों से देखेगा बड़ी बड़ी बनी हुई चीजें, और वहां पर
हाथियों को देखेगा, ऊंटों को देखेगा, जानवरों को देखेगा, नबातात को देखेगा, जमादात को देखेगा, हैवानात को देखेगा, इंसानों को देखेगा, चांद सूरज सितारों की दुनिया को देखेगा, फिजाई खलाई निजाम तेरे सामने होगा, आसमान नजर आएगा और जमीन के अंदर बेशुमार हजारों लाखों करोड़ों चीजें देखेगा। तो वो बच्चा जिसके सामने ये बात कही गई है या कही जाती है, वो बजुबान हाल यही कहेगा कि सब मेरे सामने तो बस ये बस ये दुनिया है जो औरत के रहम में मौजूद है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, बस एक महदूद नजर के साथ देखता है, दुनिया का कोई निजाम उसको नजर नहीं आता और अगर कहा जाए तो उसको समझ में भी नहीं आता। मगर मेरे दोस्तों, इस तरह उसका इस दुनिया में आने के बाद उन तमाम चीजों को वो अपनी आंखों से देखता है और औरत के पेट की छोटी सी जगह जिस मकान में वो मकीन था, ठहरा हुआ था चंद दिनों के लिए, उस मकान और मकान के मुकाबले में दुनिया की वसतें बहुत बेकरार नजर आने लगती हैं। कहता है कि हां सब बिल्कुल सच है, वो सही कहा था कहने वाले। लेकिन मेरे दोस्त, जिस तरीके से वो बच्चा यकीन नहीं करता, इसी तरह हम लोगों का हाल है जब ये कहा जाए कि जैसे मां का पेट छोटी सी दुनिया है और दुनिया बहुत बड़ी वसी वाली शरीर है, इसी तरह दुनिया भी मां के पेट की तरह एक तंग तारीख दुनिया है और बहुत महदूद और मुख्तसर दुनिया है। इससे कहीं बड़ा हुआ, इससे कहीं चढ़ा हुआ, इससे कहीं वसी वाली, इससे कहीं ज्यादा तोलमी, इससे कहीं सैकड़ों हजारों लाखों गुना बड़ा हुआ आलम खबर का एक निजाम है, इसको तस्लीम करो, उसी को कब्र का निजाम देते हैं, गजरख का निजाम कहा जाता है, दुनिया और आखिरत के दरमियान का आलम भी कहा जाता है। लेकिन इंसान को यकीन नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से उस बच्चे को देखने के बाद यकीन आ जाएगा, ऐसे ही हम लोगों को भी उस आलम के देखने के बाद यकीन आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में इंसानों से मुतालबा यही इस्लाम का कि जो चीज तुम्हें अपनी आंखों से देखकर जिसको तुम तस्लीम करना चाहते हो वो देखकर मत मानो, बल्कि बिल गैब मानो, उसी को ईमान का तकाजा कहते हैं। और जिस तरीके से बरज़ख और ख़ब्र की वसी और हरी जिंदगी और दुनिया है और आलम है, उससे कहीं ज्यादा अरबों गुना खरबों गुना और अरोहा करोड़ अरबा अरब बरसों तक वसी और हरी एक आलम से सादा का पड़ेगा, उसको आखिरत कहते हैं और हतमी है, कतई है, यकीनी है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, इन चार मनाजिल पर गौर फरमाए, सबको इन चार मंजिलों से गुजरना है। उसमें से ये एक मंजिल तो गुजर गई, अब दूसरी मंजिल खत्म होने को है, बेशुमार इंसानों की वो भी खत्म हो गई, तीसरी मंजिल में है जी, और सारे इंसानों की चौथी मंजिल भी शुरू हो जाएगी जब कयामत बर्पा हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, हर इंसान की ये चार मंजिलें हैं और आखिर में चल चलाकर आदमी अपने अपने एतबार से जजा या सजा का मुस्तहिक होता है। दूसरी बात यह है कि मां के पेट में रहने तक वाली जो जिंदगी है उसमें इंसान मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह जिसको जैसा बना दे बस वो बन चुका, वैसा ही रहता है, उसमें तगैयुर नहीं होना। अगर काला बनाया जाए तो काला रहेगा, गोरा बनाया जाए तो गोरा रहेगा, लंबा बनाया जाए तो लंबा रहेगा, पस्तखत बनाया जाए तो पस्तखत रहेगा,
जिस लबो लहजे के साथ जी अल्लाह पाक ने उसको पैदा किया उसी लबो लहजे के साथ रहेगा, तो वहां पर तकलीफी निजाम के एतबार से जो जबरी एतबार है मां के पेट में एक इंसान के बारे में, वहां आदमी अपने इख्तियार से कुछ नहीं कर सकता। अगर दुनिया पर किसी को पूरा सालिम बदन दे दे तब तो अल्हम्दुलिल्लाह, न दे उनके इख्तियार की बात है। तो वहां में निजाम है उस आलम का, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक रहीम का एक तकाजा जो की सूरत में मखलूक के साथ होता है, जिसमें रहम छुपा हुआ होता है, उस रहम के अंदर अल्लाह का रहम यह होता है कि उसको कुछ चीजें अता फरमा देते हैं, चाहे वो चाहे न चाहे, उसी तशखुसात के साथ और उन्हीं तयनात के साथ और उन्हीं तरसीसात के साथ रहता है। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया में इंसान को भेजने के बाद अल्लाह पाक ने अकल और तमीज और इख्तियार तमीजी से सरफराज फरमाया। यानी क्या मतलब है, अल्लाह ने इस दुनिया में इंसानों को दो तरह के इख्तियार दिए हैं। एक इख्तियार इस बात का कि वो अपनी मर्जी पर चले, और एक इख्तियार इस बात का कि वो अल्लाह की मर्जी पर चले। दोनों इख्तियार आ गए, चाहे वह इख्तियार महदूद सही, बहुत मुख्तसर सही, बहुत जी उसके जी वक्त के लिहाज से महदूद सही, जमाने के लिहाज से महदूद सही, उसकी वसीयतों के लिहाज से महदूद सही, बहरहाल कुछ भी हो एक, उसको दो तरह का इख्तियार हासिल है। एक ये इख्तियार कि वो अपनी पसंद पर चले, अपनी मर्जी पर चले, और एक ये इख्तियार कि वो अल्लाह की मर्जी पर चले। अल्लाह की मर्जी पर चलते हैं तो अल्लाह ताला उनसे खुश हो जाते हैं और हमेशा हमेशा की जन्नत और उसकी नियमतों से सरफराज फरमाते हैं, और इंसान अपनी मर्जी पर चलता है तो अल्लाह उसकी मर्जी पर छोड़ देते हैं, मगर आखिर में नाराज होकर उसके लिए हमेशा की जहन्नम वाली सजाओं को उसके लिए मुकद्दर कर देते हैं। इख्तियार देने के एतबार से इधर भी चलने कहा उधर भी चलने कहा, वह देना हुनैन इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, ये रास्ते दो बन गए हैं, आपकी मर्जी की बात है, चाहे आप राह रात पर चलिए, चाहे गुमराहों के रास्ते पर चलिए, चाहे शुक्र गुजार बनिए, चाहे नाशुक्री के रास्ते पर चलिए, चाहे आप जी चाहे आप हिदायत वाले रास्ते पर चलिए, चाहे आप गुमराही के रास्ते वाले रास्ते पर चलिए, रास्ता हमें बता दिया, जो जिस रास्ते पर चलेगा हम उसको चला देंगे, मगर एक से राजी होंगे दूसरे से नाराज। अब मेरे दोस्तों एक दूसरी बात तो ये, तीसरी बात यह है कि अल्लाह पाक ने हमको इख्तियारात तमीजी अता फरमाए हैं, उस इख्तियार तमीज से हमें काम लेना है। उस काम लेने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्लाह को राजी करना है। तो अल्लाह को राजी करने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्लाह को राजी करने से फायदा ये है कि हमारी दुनिया भी बन जाएगी, बरज़ख भी बन जाएगी, हश्र के मैदान में भी हमारी जिंदगी बन जाएगी, और आखिरत में हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बन जाएगी। और अगर हमने अल्लाह की मर्जी पर अपने आप को नहीं डाला, अपनी मर्जी पर चलते रहे, तो अल्लाह ताला हमेशा के लिए नामुराद कर देंगे, नाकाम बना देंगे। अब उस अल्लाह की मर्जी पर चलने के लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ता है कि हम ईमान और अमल सालेह को इख्तियार करें, अल्लाह की इबादत और मारिफत के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह की मारिफत के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला को हम किस तरीके से पहचाने, अल्लाह की मर्जी पर क्यों चलना चाहिए, उसको क्यों पहचानना चाहिए। देखो भाई, पहचानने के कुछ रास्ते और तरीके होते हैं, हर चीज का एक तरीका होता है। इस दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की कुदरत से होता है। देखिए, बेशुमार इंसानों का तजुर्बा हमारा और आपका खुदने का तजुर्बा है, सामने आती है बहुत सारी चीजें, गल्ला होता है जमीन में डाल देते हैं, गल्ले को कुर्बान कर देते हैं जमीन के ऊपर, तो वो जमीन के अंदर गुरु लाला उगते हैं, खेत उगता है,
सरसब्जी और शादाबी वजूद में आती है, बाबू बाहर बन जाते हैं। जब कुर्बान ये सब कैसे हुआ, आपने कुछ दाने डाले, कुछ दाने जी कुछ गल्ला डाला जमीन में, वो लहलहाते थे खेत की शक्ल में रूनुमा हुआ, ये कैसे हुआ? वो होता है अल्लाह के कैसा जाहिर हुआ, जिस रास्ते से जाहिर हुआ, अल्लाह के खजाने से। किस तरह जाहिर हुआ? अल्लाह की कुदरत से। वो अल्लाह का खजाना भी छुपा हुआ और अल्लाह ताला की कुदरत भी छुपी हुई और अल्लाह ताला के खजाने भी छुपे हुए, अल्लाह ताला का जलाल जमाल भी छुपा हुआ और अल्लाह ताला के कमालात भी छुपे हुए और खास तौर पर अल्लाह ताला की जात भी छुपी हुई है, तो फिर उसकी जात भी छुपी हुई, उसका खजाना भी छुपा हुआ, उसकी कुदरत भी छुपी हुई, तो फिर उसको पहचाने कैसे? उसको पहचानने का तरीका है निशानियों से रात तक पहुंचना। रवि को मकूला है, आप बड़ा जानते हैं, आसान लॉकडाउन तदुल्लुअल मसीर, कदमों के निशान चलने का पता देते हैं। आपने किसी को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन रेत पर आपने देखा कि बहुत दूर तक कदम पड़े हुए हैं, पांव के कदम पड़े हुए हैं, निशानात लगे हुए हैं, तो आप यूं कहेंगे कि ना यहां से कोई आदमी गुजरा है। तो कहते आसर लखदम तदुल मसीर, कदमों के निशान चलने को पता देते, आसर उल बैरा तदुल बैर, ऊंट की मेघनियां ऊंट के गुजरने को पता देती, फिजा जिन कैफना तदुल लतीफिल खबीर, फिर ये बुर्जम वाला आसमान ये और ये फिर ये जमीने और आसमान और जमीनों का ये निजाम और ये समुन्द्रों का ये आग का और ये पानी का ये हवा का और ये हरारतों का शमसी तुम्हारी निजाम मुख्तलिफ अंदाज का, फिर ये चीजें किसी जात की तरफ रहनुमाई कर रही है नहीं कर रही है, बस वो ही पहचानना है। जमीन को देखकर जमीन वाला याद आए, जैसे शेरवानी को देखकर शेरवानी वाला याद आता है, घड़ियाल देखकर घड़ियाल वाला याद आता है, घर देखकर घर वाला याद आता है, चप्पल देखकर चप्पल वाला याद आता है, ऐनक देखकर ऐनक वाला याद आता है, चीटी पंखा देखकर पंखा भेजने वाला देने वाला याद आता है। इसी तरीके से जमीन और आसमानों का यही निजाम इस पर गौर करके खासतौर से इस नुकते पर पहुंच जाना चाहिए कि जिसने इनको पैदा किया बस वही है अल्लाह। क्या होगा गुजरात पर ईमान लगने का फायदा क्या होगा? अल्लाह की हिमायत साथ में हो जाएगी, अल्लाह की गैबी मदद साथ में हो जाएगी। अल्लाह पाक के दो निजाम हैं, एक निजाम जाहिरी है, एक निजाम बातिनी है, यानी एक निजाम वो है जो नजर आ रहा है और एक निजाम वो है जो नजर नहीं आ रहा है। दो तरह के निजाम अल्लाह के, एक निजाम वो जो नजर आ रहा है, मिसाल जी सामने मौजूद है, अगर अलग बात है कि उसकी सनदकारी हमको नजर नहीं आती, लेकिन उन चीजों से हम बराबर उस हते पत्ते के जरिए से उस जात तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, भैंस ये चारा खाती है, घास खाती है, हरा हरा, लेकिन आप बताइए कि पेशाब किस कलर का होता है, गोबर किस रंग का होता है, खून किस रंग का होता है और दूध किस रंग का होता है? ये चारों चीजें कहां से निकली? चारा खाने के बाद ये चार चीजें जुहूर में आती है आमतौर पर, वो आप देखिए कि पेशाब का रंग अलग है और गोबर का रंग अलग है, खून का रंग अलग है और दूध का रंग अलग है। उसमें से सोल्यूशन जी एक चीज को हराम है समझ कर इस्तेमाल नहीं करता, दो चीजों को रद्दी के खाने में रखता है, एक चीज को बहुत खुशगवार अंदाज पर इस्तेमाल करता है। किस तरीके से हुआ ये निजाम? वो भैंस आप ही के जी पिछवाड़े में बंद है और वो जानवर आप ही के पास करीब में बना हुआ रहता है और आप ही के सामने वो चारा खाता है, घास खाता है, लेकिन आप देखेंगे कि इतना बड़ा निजाम उसके अंदरून में निकला भी रहता है।
तो हमको पेशाब नजर आ रहा है, गोबर नजर आता है, खून नजर आता है, दूध नजर आता है, लेकिन अल्लाह पाक की सनत कारी नजर नहीं आती। ये सब इन चीजों के जरिए से अल्लाह को पहचानना चाहिए। कुरान निशानदेही करता है इस चीज की। कुरान की पूरी आयत याद नहीं है, मौलाना खुद मौजूद है जी, मौलाना अब्दुल हलीम साहब, ये सदर लजनतुल उलमा आंध्र प्रदेश, जिनसे आप हजरात ने गुज़िश्ता इस्तिफादा किया है, ये हाफिज भी है, ये हवाला उनसे पूछ सकेंगे शायद बाद में। मिम्बई ने फारसी हुआ दमिन लबन खालिस सायगन लिशारिबीन, कैसा खुशगवार दूध, कैसा शानदार दूध, कैसा बेहतरीन दूध, पीने वालों के लिए खुशगवारी का जरिया और सबब बनता है और इंसान को सेहत बखेजता है। कितना अजीब निजाम है अल्लाह का, एक हरा पत्ता खाने वाला एक जानवर खा रहा है और नतीजा कैसे अजब अजब निकल रहा है। मगर अल्लाह पाक ने तमीज दी है तो कौन सी चीज इस्तेमाल करने की है, या इस्तेमाल करना है तो किस ढंग से करना है, उन तरीकों को जानकर इस्तेमाल कर लेता है आदमी। वो साथ वो साथ है, कुरान कहता है वो ईद कल अवसार, ये लालिद्री को अवसार, लातुद्री को अवसार, वो ईद कल अवसार, वो लतीफुल कबीर, इंसानों की आंखें उसकी जात को नहीं देख सकती। और इसी तरीके से लेकिन अल्लाह पाक दुनिया के हर दर्जे पर नजर रखते हैं। वो जात बड़ी बारीक बीन रात है, बड़ी बाखबरदार है, वो लतीफुल कबीर, वो उस जात को पहचानना है। इस दुनिया में आसार के जरिए से, निशानियों के जरिए से, इस दुनिया में कामों के जरिए से, अफान और अमाल के जरिए से, इस दुनिया में खुदा के काम किए हुए इन कामों के जरिए से, किए जाने वाले अफाल के जरिए से और अल्लाह पाक की सिफात की झलकियों के जरिए से, नफो जरद के इन सारी झलकियों को पेश नजर रखकर, अता और अमना के खजानों को पेश नजर रखकर अल्लाह तआला की जात की मारिफत करना है और पहचानना है, ताकि रोजात को इस दर्जे पहचान लिया जाए कि आज की ये पहचान कल अल्लाह को देखने के लिए आंखों में अल्लाह पाक सलाहियत देंगे। आज जिस कदर हम साहेब दिल होंगे, कल उतना ही ज्यादा साहेब दीद होंगे। आज का दिल कल की आंख बना दी जाएगी। आज हम अल्लाह को नहीं देख सकते इन आंखों से। अगर कोई दावा करता है तो बातिल दावा है। अल्लाह की जात को देखने की कोशिश गुमराही की कोशिश है। तर्क किया जाता है, इतराज किया जाता है, समझाया जाता है, पाया जाता है और विशाल से ताबीर किया जाता है कि हुकूमत मुजरिका के जरिए से गुजरात के अतिरिक्त पहचानने के अतबार मुख्तलिफ इस्तेमाल करके लफ्ज विशाल और इतराज के लफ्ज वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्त तुम्हें है रात तो कोई पाई नहीं सकता कि उसको हमने रात को देखा, अल्लाह की रात को नहीं, वो तो जन्नत में देख, जन्नत में दिखाया जाएगा। कहा जाओ अल्लाह पाक इंसान को दीद के काबिल बना देंगे। आज जितनी बसीरत होगी कल अल्लाह पाक उतनी ही तेज बसारत कर देंगे। इसीलिए मेरे दोस्त अपने काम ये है कुछ अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला के खजानों को, अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह ताला के सिफात को, उसके कमालात को पहचानने के लिए, पहचानने को अल्लाह को मान लेना है। इस अल्लाह हमारा कर्म फरमाते हैं और कर्म की शक्ल ये होती है कि सालिहीन में दाखिला देते हैं और कर्म की शक्ल ये होती है कि मरने के बाद हमेशा की जिंदगी में कामयाब कर लेते हैं। और इस दुनिया में भी अल्लाह ताला कामयाब फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अल्लाह अहले ईमान के साथ है। दुनिया भर के मुसीबतों में पड़े हुए इंसानों को मुसीबतों से निकलने का रास्ता ये है कि इंसान ईमान के रास्ते पर आए। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन, हम नजात छुटकारा दिलाएंगे अहले ईमान को, अमन भी देंगे अल्लाह, हिदायत का नूर भी दे देंगे। पुराने मजीद में एक शर्त के साथ मशरूत करके बताया गया है, अल्लज़ीन आमनू, जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और उन्होंने अपने ईमान के अंदर जुल्म की आमिज़िश या शिर्कियात की आमिज़िश नहीं की, तो क्या होगा, उलाइक लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, अल्लाह अमन हिदायत से आराम कर देंगे।
तो अमन का अमन की फिक्र कब कायम होगी? जब दुनिया में ईमान आम होगा। और हिदायत कब आम होगी? जब इंसानों में ईमान की हिदायत की बात होगी, ईमान की बात चले और इंसान कबूल करे। लेकिन आप सोचते हैं होंगे कि साहब अल्लाह ताला ने तो अहले ईमान के साथ कामयाबी का वादा किया है ना, तो हाँ, तो फिर हम बेशुमार ईमान वालों को नाकाम देख रहे हैं, ये क्या है? इसमें दो बातें, एक ये है कि ईमान वालों का इम्तिहान है, ये दो बातें। तो भाई हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर आरा चलाया गया, कामयाब हुए नाकाम हुए, कामयाब हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया ने जहर दिया, कामयाब हुए नाकाम हुए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया ने शहीद किया, वो कामयाब हुए नाकाम हुए। हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, हजरत अली मुर्तजा शहीद हुए, हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया, हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, क्यों भी कामयाब थे, नाकाम थे, कामयाब थे, कोई दो राय तो नहीं है, तो नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि कामयाबी और नाकामी के मफहूम और मजमून को समझना है, ये मतलब है उसका। हमने कामयाबी और नाकामी का भी मतलब तो समझा ही नहीं, बस इतना याद रखिए कि अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिए तो कामयाब हो जाते हैं यहां भी वहां भी, और अल्लाह के हुक्म छोड़ दिया तो नाकाम हो जाएंगे यहां भी वहां भी। इसलिए करना ये है मेरे दोस्तों, कामयाब होने के लिए अल्लाह के हुक्म की तामील करना है, एक आखिरी बात दर्ज करना है। वो ये है कि इस दुनिया में भी अल्लाह पाक बेशुमार बेईमानों के साथ अलग नियमतें दे रहे हैं। काफिरों को देखो, मुशरिकों को देखो, ये अमरीकनों को देखो, अंग्रेजों को देखो, ये मालदारों को देखो, यहूदियों को देखो, नगरानियों को देखो, दुश्मनों इस्लाम को देखो, कैसा रोज दाव दबदबा ये और वो। लेकिन मेरे रोज तो ईमानदारों के साथ, अरे साहब इनके तो खाने पीने की भी मुश्किल ना पड़े, बड़ी मुश्किल इनके लिए तो मुसीबतें ही मुसीबत है, सिर से पांव तक मुश्किलात और आलाम और कठिनाइयां और दुश्वारियां, और इतनी बड़ी उलझने के कुछ बस बस कुछ ना पूछिए जी। कर्जों का तूमार और वसाइल का अंबार, वसाइल की किल्लत, वसाइल की कसरत, क्या क्या मुसीबतें हैं साहब इस मुसलमान के पीछे। तो मेरे दोस्त इस बात को याद रखिए कि अल्लाह नेमतें किसी को देते हैं राजी रहकर और किसी को देते हैं नाराज रहकर, दो तरीके से देते हैं, राजी रहकर किसी को, नाराज रहकर किसी को। मगर आपको शायद बात पहले नहीं पड़ी होगी, एक मिसाल तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। हम लोग चूंकि छोटे जहन के लोग हैं इसलिए ये छोटी बात ही बताना पड़ता है कभी। देखो भाई, अगर आपके घर के अंदर चूहा होता है ना, चूहा, उसने कतर दिया कपड़े, उसने कतर दिए खाना, उसने गिरा दिया और सारा घर वो नीचे ऊपर कर रहा है और कागजात कतर दिए, किताबों को चाटने लग गए। अब उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की मुश्किल जी, यहां हर बस नुकसान, रुपये को कतर दिया, कपड़े को कतर दिया, कागज को कतर दिया। तब क्या करते, मालिक के मकान क्या करता है, एक बंगला खरीद के लाता है, उसको आप पिंजरा कहते हैं, चूहे जी, चूहे पकड़ने का पिंजरा आपके